नमस्कार, आज हम बात करने वाले रामायण के बारे में, हम सबका बचपन का सबसे फेवरेट टीवी शो रामायण। रामानंद सागर की रामायण मैक्सिमम लोगों ने देखी है और लोगों द्वारा इतनी उसको प्राथमिकता दी जाती थी कि जब वो सीरियल आता था तो लोग सारे काम काज छोड़ के सीरियल देखने आ जाते थे। उसके बाद उम्र बीती और एक समय के बाद हमने और भी कई सीरियल्स देखे, रामायण देखे, लेकिन आज अभी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है आदि पुरुष। आप उसके ट्रेलर को देखिए या टीजर को देखिए, उसमें जब पहले टीजर आया था तो उसमें कुछ थोड़े से विवाद हुए तो उसको लेकर मेकर्स ने अपने VFX को कुछ थोड़ा सा सही किया, लेकिन जो कैरेक्टर था भगवान श्री राम का और हनुमान जी का, उसमें कोई भी संशोधन मैं तो देखने को नहीं पाता। रीजन क्या है, आप रामानंद सागर की रामायण देखें या उसके बाद जितनी भी रामायण बनी है, या आप कहीं पर रामायण हनुमान जी की तस्वीर देखें या प्रभु श्री राम की तस्वीर देखें, आप कहीं पर भी राम भगवान को मूछों में नहीं देखेंगे और हनुमान जी को बिना मूछों के और दाढ़ी सहित देखें कहीं पर नहीं देखेंगे। मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती, हनुमान जी का कैरेक्टर इंस्पायर कहां पर? हिंदू समाज में या तो लोग क्लीन शेव रखते थे, या तो मूछ दाढ़ी दोनों रखते थे, या फिर मूछ रखते थे, सिर्फ दाढ़ी हिंदू समाज में नहीं रखा जाता था। तो हनुमान जी का कैरेक्टर कहां से इंस्पायर है ये तो मुझको नहीं पता, नहीं आप लोगों को वाकई पता है कैरेक्टर कहां से इंस्पायर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप ये देखिए, ये रामायण है जो पहले कुछ रामायण बन चुकी हैं, इसकी तस्वीरें हैं। और उसके बाद आप कुछ अब ये तस्वीरें देखें जो आदि पुरुष में रामायण की तस्वीरें दी गई, प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की, दोनों में कितना अंतर है। फिल्म मेकर को फिल्में बनानी चाहिए, उसमें कुछ नयापन लाना चाहिए, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा मूल है, उससे हटकर बनाने की क्या जरूरत है। उसमें आप रावण का कैरेक्टर देखें रामानंद सागर वाली में, और आज पुरुष के रावण का कैरेक्टर देखें, आपको उसमें जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। रावण को एक कार्टून बना के रखा है, एक विद्वान ज्ञानी पंडित व्यक्ति को उसमें कार्टून बना दिया है। मूवी में उसका जो VFX है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं रामानंद सागर की जब मैंने उनकी रामायण देखी उसमें शायद इतना अच्छा VFX नहीं होगा, फिर भी चीज़ें इतनी रियलिस्टिक लगती है। और आज इतना अच्छी क्वालिटी के VFX होने के बाद चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि मैं कोई रामायण को छोड़कर कोई कार्टून देख रहा हूँ जो एक कल्पना पे कहानी के ऊपर बना हुआ है जिसका वास्तविकता से कोई आधार नहीं, या तो इन्होंने रामायण आदि पुरुष बनाई है या सोचकर बनाई है। तो फिल्में बनाना और लोगों को भ्रमित करना फिल्मों के माध्यम से, मुझे लगता है सिनेमा जगत का एक नया ट्रेंड है, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उससे अच्छा खासा पैसा अपनी जेब में डालना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना कि हम इसमें कुछ नया कर रहे हैं। हमेशा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी चीज़ों को बस रिपीट करना ही बेहतर होता है। रामायण और आदि पुरुष दोनों एकदम अलग अलग दिशा में, से फायदा उनका होगा लेकिन संस्कृति और हमारा कल्चर नष्ट हमारा होगा। हम हनुमान को बिना मूछों को देखेंगे, पता नहीं कैरेक्टर कहाँ से इंस्पायर है, लेकिन आपको पता है जहाँ से इंस्पायर है। और राम का कैरेक्टर जो एक सौम्य और प्रतिभावान व्यक्ति का है, एक शांत स्वभाव वाले का, उसमें एग्रेशन के रूप में दिखाया गया है, मुंडी को चींटी अड़ी करके तीर मार रहे, सिंपल वे में दिखाना चाहिए। कैरेक्टर को इतना इजी बनाओ कि लगे कि हाँ भगवान श्री राम का कैरेक्टर बनाया गया है, अच्छा दिखाया गया है।
तुम मूवी 10 साल में बनाओ या 20 साल में बनाओ, उसे लोगों की दिल तक पहुंचाना जरूरी होता है। अब 30 दिन में मूवी बनाया 10 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे मूवी में कितने बड़े एक्टर ले लो, उससे मूवी हिट या फ्लॉप हो सकती है लेकिन लोगों के दिल में नहीं उतर सकती। बाकी तो मुझे आज पुरुष की मूवी के जितने भी कैरेक्टर्स में दर्शाए गए हैं उसमें शरीर की बॉडी ऐसे दी गई जैसे कि टायर में पंप करके हवा भर दी गई और कुछ भी नहीं दी। मेरी तरफ से तो इस मूवी को भगवान राम ही बचाए। बाकी आपको अपने खुद बौद्धिकता को जांच करनी है और ऐसी भी जितनी भी मूवियाँ आएँ किसी भी धर्म के बेस हो, किसी भी धर्म के खिलाफ हो, अगर वो सत्यता पे आधारित नहीं है तो उनका तो बाइकआउट करना ही चाहिए। और बाकी आपकी मर्जी, आप समझे आपकी भी जिम्मेदारी है सत्य के प्रति जागरूक रहें और सत्य को बोलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे कोई अगला व्यक्ति आपको अपना झूठ चिपका जाएगा और बाद में वो आपके धर्म में, आपके समाज में एक क्रूरति के रूप में, एक गलत अवधारणा के रूप में प्रचलित होगी, जिसे बाद में आप खुद परेशान होकर कहीं और राह तलाश करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।